नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज बरेली। मैं अंश माथुर, आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। थाना भितरी चैनपुर के गांव उदयपुर जसदपुर के निवासी एक पिता आज अपने ही घर से बेघर हैं। इसी के साथ ही उनके बेटे को भी घर से बाहर निकाल दिया गया है। ऐसा उनके ही एक बड़े लड़के ने किया, क्योंकि पिता ने उसके काम काजों से नाखुश होकर अपने छोटे बेटे के नाम सारी संपत्ति कर दी, जिसके चलते एक बेटे ने अपने पिता को सड़क पर ला खड़ा कर दिया है। इसी के साथ ही अपने भाई को भी जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस बारे में अपना दुख बयां करते हुए एक पीड़ित पिता ने बताया। क्या नाम है चाचा, क्या हुआ आपके साथ? सत्यपाल नाम है हमारा। हाँ। जो फिलहाल मजदूर लड़का है। हाँ। वो ना तो हमको हमारी संपत्ति, मतलब हमको भी मार डालने को है, और छोटे लड़का की संपत्ति जगह पर कब्जा कर लो, ताले डाल दे, दीवार तोड़ ली, ये कर लो। कब की घटना है और कहाँ की, किस थाने क्षेत्र की है? ये उदयपुर जसरतपुर बिछरी थाने में। और कब की घटना है ये? तीन तारीख की परसों। हाँ, तीन तारीख की है। तो कोई सुनवाई हुई आपकी? नहीं हुई कोई सुनवाई ना। पुलिस को लेके गए, पुलिस जाए ना रही, फिर 100 नंबर वाले को फोन करो तो उनको लेके गए, तो बोले कि ऐसा है कि चलो थाने तुम्हारी पंचायत होगी। तो इस समय आप कहाँ रह रहे हैं? हम तो यहाँ बरेली किराए पर रहते हैं, पास आ गए। तो मतलब आपको अपने मकान से बेघर कर दिया गया? हाँ, बेघर आए हम। क्या मांग करेंगे आप योगी जी से, योगी सरकार से? अरे हम तो यह कह रहे हैं बेटा, ये बच्चन की जिंदगी में भैया हमारी जो बुढ़ापे पर पता था, साल भर 6 महीना के हम तो अपनी मौत से परेशान हैं जिंदगी से। हम तो यह सोच रहे हैं 10 रुपया को खर्चा मुँह से दवाई लेके ये हुकूमत में रहना चाहिए नेता जिनकी नड़े कराए। जिन्होंने आपको घर से निकाला वो कौन है आपके? जो फिलहाल मजदूर लड़का है। मजदूर लड़के हैं आप? हाँ। और आपको आपके अपने ही घर से बेघर कर दिया? हाँ, अपने भैया। अब एक बुजुर्ग पिता ने एसएसपी बरेली से गुहार लगाई है। इसी के साथ ही भाई ने आरोप लगाया कि पुलिस भी अब उनकी नहीं सुन रही। सर, हमारा नाम भीमसेन है साहब। हमारे भाई चोखेलाल हमें शुरू से परेशान करते चले आए हैं। और आपके सगे बड़े भाई हैं? सगे बड़े भाई चोखेलाल हैं, विधायक जी के कार्यकर्ता हैं। कौन से विधायक जी? पप्पू भरतौल। 18/6/2019 को इन्होंने हमें मांग करी, झूठा कागज लिख के भेजा पैसे के मामले में। हमने मुख्यमंत्री जी को सूचना दी, हमें उसमें मदद मिली थी। अब चोखेलाल ने पैसों को लेके हमारी मकान की दीवार तोड़ दी है, घर में हमारे कमरे में ताले डाल दिए। हमें पता लगने पर 3 तारीख घर गए साहब, घर पर गए साहब। हमने गाँव जा रहे थे तो हमें गाँव से बाहर रोक लिया कि साले घर की तरफ नहीं बढ़ेंगे ना, जान से मारेंगे। हम साहब काशी में रुक गए, हम मोमन लोग रहते हैं। तो साहब हमने वहीं से 112 नंबर पर कॉल करी, पुलिस वालों को लेके घर पहुँचे। पुलिस वालों ने ताले खुलवाए, उसे समझाया कि दूसरे घर पर कब्जा क्यों करा। वो नहीं माना, दमंगी दिखाई, गाली देने लगे थे। तो फिर साहब वो थाने ले आए, थाने में साहब शाम तक बैठे रहे। दरोगा जी आए, बोले इनके दोनों का चालान करो, जेल भेज दो। पापा ने कहा साहब ये न्याय कैसा है कि दोनों को जेल भेज दो, इनका घर छीन लिया, इनका घर दिलवाया जाए। सादा आने में एक साहब आए थे, उन्होंने पूछा क्या बात है। तो साहब मैंने उनसे कहा कि हमारा मकान छीन लिया। तो साहब उन्होंने कहा कि आप मकान छीन लिए, पापा का हमने ये हैं। तो उन्होंने कहा कागज लेन देन वाले लेके आना। नाम, पर है? नाम पापा ने हमारे बसियत करा दी है। अच्छा। पावर अटर्नी करा दी थी विवाद के चक्कर से। तो साहब बोले सुबह 10 बजे कागज लेके आना। तो मैंने कहा ठीक है साहब। बाहर निकले, चोखेलाल बोले मेरी पहुँच देख ली। तो बाहर बहुत लोग खड़े थे, पुराने प्रधान थे, ओमकार थे। तो मैंने कहा भैया मैंने जब फ़ोन करा तो आप नहीं आए, चोखेलाल कहने से आ गए, नए प्रधान ने भी मना कर दिया, मुंह देख ही बात करते हो। ओमकार ने पैर में से चप्पल निकाली, बोले रपटा रपटा के मारूंगा। चोखेलाल भी डट गए थे। ये सारी घटना कहाँ की थी जब ये आपके साथ हो रहा था? ये भितरी थाने के गेट के बाहर की बात थी। भितरी थाने के गेट के बाहर ही ये सारी घटना हो रही थी? बोले दोनों लोग जेल जाएंगे साहब, जेल के नाम से हम डर गए। हमारा कब्जा दिलवाया जा, दीवार हमारी बनवाया जा, मुख्यमंत्री जी और एक सूचना पहुंचा दी, हमारी मदद करी जा साहब। हम बहुत डरते हैं साहब, विधायक जी ने भी नहीं सुनी। 11/2019 को गए थे तो उनके भैया राजेश मिश्रा जी ने हमारे पापा को हमें गाली दी थी साहब। चौक लाली कहते साहब, हमें बहुत डर, भितरी साहब फोन भी आया। लोग हैं साहब, मैं भी 25 तारीख को गल्ला लेने के लिए गई थी, मेरा छोटा बड़ा लड़का भी गया था 24 तारीख को। तो चंद्रपाल ने और राम निवास ने, चोखेलाल ने, उनकी बीवी ने मुझे घेरा। ये कौन है जो चंद्रपाल, राम निवास? वो गांव के लोग हैं, दमंग लोग हैं बस साहब, जो आपके जेठ हैं उन्होंने और लोगों के साथ। हाँ, उनको इनको भी साथ में सबने घेरा मुझे। तो बोले
या तो 180,000 रुपया देना, नहीं तो जान से मार दूंगा, और कभी कदम रखा तो तेरी टांगे काट लूंगा, कभी आना मत इस गांव में। हमारी ये गुजारिश सरकार से, आप लोगों से, अधिकारी साहब से, हमारा मकान हमें दिलवाया जाए, हमारा घर जाने रोके नहीं, और हमारी मदद करें साहब। हमारे जो छोटे बच्चे हैं बीमार भी हैं, अभी हम हॉस्पिटल में थे 20 तारीख को, तो एक डॉक्टर साहब ने हमारा खर्चा दिया। हमने आयुष्मान भारत पे फ़ोन करा, डिस्ट्रिक्ट गया तो हमारा कार्ड से ही हुआ, मगर डॉक्टर साहब बोले अब प्रश्न जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, नहीं आप दवाई खाके से ही जाओगे। साहब हम बहुत कष्ट में, हमारी यहाँ मदद करें सरकार, मदद करें अधिकारी साहब लोग, मदद करें साहब।